वेलकम टू द चैनल। हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप? तो चलिए आज हम पढ़ने वाले हैं लेसन 15, अ निकल्स वर्थ ऑफ फन। मतलब ये हुआ निकल मजे का मूल्य, मतलब वर्थ मतलब एक तरह मूल्य कीमत होता है। तो ये निकल्स जो शब्द होता है ना, ये पंच सेट का सिक्का भी बोलते हैं, या तो सेंट भी बोल सकते हैं इसको। एक छोटा सा सिक्का होता है एकदम, है ना, छोटे छोटे जो सिक्के होते हैं, छोटे छोटे पैसे वाले, जैसे 25 पैसे ऐसा टाइप का कुछ सिक्का होगा। तो चले स्टार्ट करते हैं। आई फाउंड अ निकल जेरी क्राइड। आई फाउंड अ निकल जेरी क्राइड। जेरी जो है जोर से चिल्लाया, आई फाउंड अ निकल, मुझे सिक्का मिला। ठीक है, सो व्हाट, तो सो व्हाट बोलता है तो क्या। हिज फ्रेंड ब्रूस आस्क्ड, उसके फ्रेंड जो है ब्रूस नाम है उसका, वो बोलता है तो क्या हुआ। नाउ आई कैन बाई बर्थडे प्रेजेंट ऑफ माई लिटिल सिस्टर सैली। वो कहता है कि नाउ अब मैं जो है आई कैन खरीद सकता हूँ, आई कैन बाई अ बर्थडे प्रेजेंट, एक बर्थडे का उपहार खरीद सकता हूँ फॉर माई लिटिल सिस्टर, मेरे छोटी बहन जो किसका नाम सैली है। ठीक है, जेरी रिप्लाइड, ऐसा जेरी ने उत्तर दिया, ए निकल इजेंट वर्थ मच, यू कांट बाई एनी थिंग फॉर अ निकल, ब्रूस सेड। जो ब्रूस है वो कहता है अ निकल इजेंट वर्थ मच, मतलब जो निकल है ये काफ़ी नहीं है, इजेंट इज नॉट वर्थ मच, ये काफ़ी नहीं है, यू कांट बाई, तुम कुछ नहीं खरीद सकते एनी थिंग फॉर अ निकल, इस निकल से, इस छोटे से पैसे से तुम कुछ नहीं खरीद सकते। ऐसा बोलता है यस आई कैन, जेरी आंसर्ड हाँ मैं खरीद सकता हूँ, हाँ मैं कर सकता हूँ, जेरी आंसर, जेरी ने ऐसा उत्तर दिया, व्हाट ब्रूस आर्ट, क्या ये क्या बोल रहे हो, ऐसा ब्रूस ने उसे कहा। जेरी ड्रेव अ डीप ब्रेथ, जेरी ने गहरी सांस ली, फाइनली ही सैड, और अंत में कहता है आई एम गोइंग शॉपिंग विद सैली एंड माई मदर दिस आफ्टरनून, मैं जो है आज दोपहर को आई एम गोइंग शॉपिंग, मैं खरीदने जाऊंगा विद सैली, साथ में सैली होगी एंड माई मदर, और मेरी माँ होगी, दिस आफ्टरनून, इस दोपहर को हम लोग खरीदारी पर जाएंगे। आई एम श्योर, मुझे पक्का है, वी विल फाइंड, हम खोज पाएंगे जरूर, अ रियली स्पेशल गिफ्ट, एक बहुत ही अच्छा विशेष उपहार हम जरूर खोज पाएंगे। ब्रूस जस्ट लाफ्ड, ब्रूस उस पर हंसा। ठीक है, आफ्टर लंच, दोपहर के भोजन के बाद जो है जेरी सैली एंड देयर मदर वेंट शॉपिंग, वो खरीदारी करने गए, दे विजिटेड अ टॉय स्टोर, वे वहाँ विजिट किए, मतलब पहुँचे या गए टॉय स्टोर, एक खिलौने की दुकान पर गए, एंड अ डीम स्टोर, वो एक तरह का डीम स्टोर था, मतलब सस्ता दुकान था। जेरी सर्चड इन ईच स्टोर, मतलब यहाँ पे बताया जा रहा है जेरी ने प्रत्येक दुकान में देखा, वहाँ पर जितना भी दुकान रहा होगा, ही कूडंट बाई एनी थिंग फॉर सैली, वह कुछ नहीं खरीद सका सैली के लिए, बिकॉज एवरी थिंग कॉस्ट मोर, क्योंकि प्रत्येक वस्तु का जो मूल्य था वेरी कॉस्टली, कॉस्ट मतलब यहाँ पर महंगा बोल सकते हैं, मोर देना निकल, मतलब उस निकल से के में नहीं आने वाला था, उससे ज़्यादा महंगा था, कॉस्टली था, है ना। व्हाट कैन आई बाई फॉर अ निकल, अब वो बोल रहे हैं अपने आप से कि मैं एक निकल से क्या खरीद सकता हूँ, एक सिक्के से, पैसे से क्या खरीद सकता हूँ। जेरी फाइनली आस्क्ड हिज मदर, और अंततः जो जेरी ने अपनी माँ से इस तरह से पूछा। ठीक है, ए फ्यू पीसेस ऑफ गम, मदर रिप्लाइड, माँ जो है कहती है अ फ्यू पीसेस ऑफ गम, गोंद के कुछ टुकड़े, गोंद के तुम क्या खरीद सकते हो, कुछ टुकड़े खरीद सकते हो, बट आई डोंट थिंक दैट वुड बी गुड फॉर सैली, अब वो परंतु मुझे नहीं लगता, बट आई डोंट थिंक, परंतु मुझे नहीं लगता दैट कि वुड बी गुड फॉर सैली, कि ये अच्छा होगा सैली के लिए। वाई नॉट गिव हर अ पिक्चर, क्यों ना हम उसे एक पिक्चर दे, चित्र दे। ठीक है, दैट यू ड्रेव इंसिस्ट, ठीक है, तो यहाँ बताया जा रहा है कि तुम उसे अपने हाथ से बना हुआ एक चित्र ही क्यों नहीं दे देते, ऐसा उसकी माँ जो है कह रही है। ठीक है, I will do that too, मैं भी जो है वही करूँगा। I still want to get a gift, मैं जो है मैं अभी ऐसा उपहार खरीदना चाहता हूँ। I still want to get a gift, Sally will always remember, मतलब जो सैली को जो है always remember, हमेशा जो याद रहे। I still want to get a gift, मैं उसे ऐसा gift देना चाहता हूँ सैली को, will always remember, जो उसे हमेशा याद रहे। Jerry decided it, so जेरी ने ऐसा डिसाइड किया, सो आई विल कीप सर्चिंग, तो वो बोलता है कि इसलिए मैं देखता रहूँगा, मतलब जब तक कोई ऐसा चीज़ ना मिल जाए तब तक मैं देखता रहूँगा।
देन तब द थ्री ऑफ देम वेंट शॉपिंग एट अ फूड स्टोर। वो जो तीनों हैं कहाँ गए, वेंट शॉपिंग एट अ फूड स्टोर, एक फल की दुकान पर गए। जेरी सर्च्ड फॉर अ प्रेजेंट, और जेरी जो है उपहार खोजने लगा। देन ही स्टॉप्ड इन फ्रंट ऑफ अ साइन, और एक जगह जाकर के वो रुक गया इन फ्रंट ऑफ अ साइन, जहाँ पर एक चिन्ह था। ठीक है, जेरी लुक्ड एट द वाइट वीट एंड हनी ब्रीड इवन मार्क्ड डाउन दे कॉस्ट टू मच ही डिसाइडेड। ठीक है, तो जेरी ने देखा, देखो क्या लिखा था। फिर जेरी ने सफ़ेद चावल और शहद वाले रोटी को देखा, उनका मूल्य नीचे लिखा हुआ था। ठीक है, इवन मार्क डाउन दे कॉस्ट टू मच, मतलब वहीं पर जो लिखा हुआ था। देन जेरी सॉ अ क्रस्ड लॉफ। ठीक है, तो देन जेरी सॉ, तब जेरी ने देखा, सॉ मतलब देखा, क्रस्ड लॉफ, क्रस्ड लॉफ मतलब होता है एक रोटी के टुकड़े को देखा, टुकड़ा टुकड़ा रोल रहा होगा ब्रेड का। ठीक है, तो आई कैन बाई दैट, मैं इसे खरीद सकता हूँ। ही डिसाइडेड, उसने ऐसा निर्णय लिया। बट वॉट विल सैली डू विथ इट, मदर आस्क, लेकिन उसकी माँ कहती है बट, लेकिन वॉट विल सैली डू विथ इट, लेकिन सैली इसका क्या करेगी, रोटी के टुकड़ों का सैली क्या करेगी, ऐसी उसकी माँ जो है उसे कहती है। इफ़ वी कैन स्टॉप द लेक ऑन द वे होम आई विल शो यू, जेरी रिप्लाइड। इफ़ वी कैन स्टॉप, यदि हम रुकते हैं एट द लेक ऑन द वे होम, लेक मतलब झील के पास, वे होम जो हमारे घर के जाने के रास्ते में है, आई विल शो यू, तब मैं आपको दिखाऊंगा, जेरी ने ऐसा कहा। ठीक है, सून जेरी सैली एंड मदर वेयर स्टैंडिंग बाई द लेक, बहुत जल्द ही, मतलब सून मतलब जल्दी ही, जेरी सैली एंड मदर और उसकी माँ, जेरी सैली और उसकी माँ वेयर स्टैंडिंग बाई द लेक, झील के पास खड़े थे, बहुत जल्दी ही वहाँ पर स्टैंडिंग मतलब खड़े थे। अ फ्यू डक्स केम स्विमिंग बाई, और कुछ बतख जो हैं उनके पास तैरते हुए आए। ठीक है, जेरी गेव हिज लिटिल सिस्टर द लोफ ऑफ क्रस्ड ब्रेड, जेरी ने जो है गेव हिज लिटिल सिस्टर, अपनी छोटी बहन को वो लोफ ऑफ क्रस्ड ब्रेड, जो रोटी के टुकड़े थे छोटे छोटे, उन्हें वो दे दिए। फॉर मी, सैली आस्क्ड, सैली कहती है मेरे लिए। सी कुड नॉट रिमेंबर एवर बिफोर हैविंग सो मच ब्रेड टू फीड द डक्स। ठीक है, तो सैली ने जब ऐसा पूछा ये मेरे लिए, तो उसने इससे पहले इतने ज़्यादा रोटी के टुकड़े बतखों को खाने को नहीं दिए थे। तो सी कुड नॉट रिमेंबर, उसे ऐसा याद नहीं आ रहा था कि एवर बिफोर, कि इससे पहले, कि हैविंग सो मच, कि बहुत ज़्यादा ब्रेड टू फीड द डक्स, कि वो खाने के लिए बतखों को ऐसा रोटी के टुकड़े दिए हों। ऑल फॉर यू मतलब होता है सब कुछ तुम्हारे लिए, जेरी ने ऐसा कहा और कहा हैप्पी बर्थडे, जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। ठीक है, तो सैली टुक सम ब्रेड, सैली ने कुछ रोटी के टुकड़ों को लिया एंड ब्रोक इन टू लिटिल बिट्स, और उन्हें छोटे छोटे टुकड़े में, बिट्स मतलब टुकड़ा, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा। सी बिगेन टू थ्रो देम, और उसे थ्रो करने लगी, देम इन टू द वाटर, किधर, पानी में थ्रो करने लगी, फेंकने लगी। दिस सून ड्रेव अ क्राउड ऑफ डक्स अराउंड देम, मतलब बहुत ही जल्द क्या हुआ, बहुत ही जल्द उसके पास बहुत सारी बतखें आ गई, डक्स क्राउड, भीड़ आ गई, क्राउड मतलब होता है भीड़। ठीक है, तो बतखों की पूरी भीड़ आ गई उसके चारों ओर। यू डोंट हैव अ क्राउड, तुम्हें झुंड बनाने की ज़रूरत नहीं है, सैली सैड स्माइलिंग, सैली ने ऐसा स्माइल करते हुए कहा। वो किससे बात करिए, बतखों से बात करिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई ना बतखों की। बिकॉज, क्योंकि दिस टाइम आई हैव इनफ फॉर एवरीबडी, मेरे पास बहुत सारा है सब लोगों के लिए। ठीक है, इससे ये पता चलता है कि वो पहले भी ऐसा ब्रेड का मतलब रोटी का टुकड़ा ऐसे बतखों को खिलाती है और उसे बहुत मज़ा आता है। ठीक है, ए फ्यू बर्ड्स कम फ्लाइंग बाई, कुछ पक्षी भी वहाँ पर उड़ कर आ गए। सैली बिगेन टू थ्रो सम ब्रेड ऑन द ग्रास फॉर देम, तो सैली ने क्या किया, वो कुछ जो रोटी के टुकड़े थे वो घास पर भी फेंक दिए। देन सी वॉच्ड एज दे लैंडेड एंड एट, तब वो देखती है कि एज दे लैंडेड एंड एट, और वो वहाँ पर उतर गए और उसे खाने लगे। दिस इज माई बेस्ट प्रेजेंट एवर, सी सैड, वह कहती है कि यह मेरे लिए सबसे बढ़िया उपहार है। ठीक है, विल यू बाई मी अ लॉफ ऑफ ब्रेड अगेन जेरी, वो अपने भाई से कहता है कि
क्या तुम मेरे लिए फिर से ऐसा रोटी के टुकड़े खरीदोगे जेरी, ऐसा करके। द नेक्स्ट टाइम इफ़ आई फाइंड अ निकल, अगली बार जब मुझे क्या मिलेगा, निकल मिलेगा तो मैं ज़रूर करूँगा, ऐसा करके जेरी प्रॉमिस करता है, जेरी जो है वादा करता है। वेन, जब जेरी सॉ ब्रूस अगेन, जब जेरी जो है ब्रूस को फिर से देखता है वहाँ पर, द फर्स्ट थिंग इज फ्रेंड आस्क वॉस, और वो पहली चीज़ थी जो उसने पूछी, ठीक है, मतलब ब्रूस ने पूछा उससे, द फर्स्ट थिंग इज आस्क्ड वॉस, वेल, अच्छा, वेयर यू एबल टू फाइंड एनी थिंग दैट कॉस्ट अ निकल, अच्छा तो क्या तुम एक निकल में कुछ खरीद कर दे सके, वेयर यू एबल मतलब दे सके, सक्षम हो सके, टू फाइंड एनी थिंग दैट कॉस्ट अ निकल, मतलब उस निकल से, उस पैसे से तुम कुछ खरीद कर दे सके। यस, जेरी रिप्लाइड, जेरी बोलता है हाँ। वॉट, क्या, ब्रूस आस्क्ड इन सरप्राइज, ब्रूस जो है एकदम चौंकते ही बोलता है, मतलब ऐसा क्या, ऐसा करके, ठीक है। आई फाउंड अ निकल्स वॉट्स फन, वो बोलता है कि आई फाउंड अ निकल, मैंने कुछ क्या पाया, पैसे पाए, वॉट ऑफ फन, मजे का मूल्य, ये सबसे मजा, आनंद लेने का एक कीमत है, ठीक है। जेरी सैड स्माइलिंग, जेरी ने ऐसा मुस्कुराते हुए कहा, दैट्स द मोस्ट वंडरफुल बर्थडे प्रेजेंट ऑफ ऑल, ठीक है, तो वह सभी उपहारों से सबसे अच्छा जन्मदिन का उपहार है, ठीक है, तो वो जो भी किया अपने सिस्टर के लिए, वो उसे सबसे अच्छा उपहार उसकी बहन को भी लगा, और उसे भी अच्छा लगा कि उसकी बहन खुश हो गई, ठीक है। तो इस तरह से ये स्टोरी जो है, छोटा सा है, प्यारा सा है, मस्त है, आई होप सबको समझ आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।